हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टूरिंग क्राफ्ट व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम निकल चुके हैं एक नई ट्रिप पे। इस ट्रिप पे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बावे तालाब अखनूर रोड पे पड़ता है। हम आपको लेके जाएंगे, पूरा रास्ता भी दिखाएंगे और वहाँ की स्टोरी भी आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ जा रहे हैं हमारे दो दोस्त। एक तो भाई साहब से आप मिल चुके होंगे पहले भी, मिस्टर शाही विकास अबरोल, और दूसरे बस शाही साहब, शाही है नहीं पर अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये रहे वो दूसरे साहब, प्रतीक बख्शी साहब, छिब्बर साहब आज हमारे साथ जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आपको आज हम बाबा जी की स्टोरी भी थोड़ी बताने की कोशिश करेंगे, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी स्टोरी, और हमारी ब्लॉगिंग के बारे में भी कुछ लिख दो यार नीचे। चलो चलते हैं। कुछ पैचेस इस हाईवे के कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि ये पैच है, काफ़ी सुंदर लग रहा है हाईवे। ये पूरा का पूरा हाईवे जब बनके तैयार हो जाएगा तो अलग ही चीज़ बनेगी। एक चीज़ की काफ़ी कमी महसूस हो रही है, वो हो रही है ग्रीनरी की, क्योंकि इस रोड साइड पे थे बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़। आई होप कि ये लोग इसके साथ थोड़ी सी प्लांटेशन करें, जिसके वजह से वो ग्रीनरी वापस आए और ये रोड और भी ज़्यादा सुंदर लगे। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस बोर्ड को देख करके कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये बाबा जी तो जेडी को रास्ता जाता है, लेकिन हम जा रहे हैं बाबे तालाब। उसके लिए आपको सीधा हाईवे पे ही कंटिन्यू करना है, यहाँ से भी हम सीधा ही जाएंगे। जम्मू पुंछ वाया अखनूर का ये रास्ता भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, फोर लेनिंग का काम चल रहा है। फोर लेनिंग का काम खत्म हो जाएगा तो काफ़ी बढ़िया रास्ता बन जाएगा, और इन भाई साहब को काफ़ी आसानी हो जाएगी आने जाने में, क्योंकि ये भाई साहब हमारे बिलोंग करते हैं पुंछ से, और इसीलिए हम रास्ते की ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो अब हम आपको मिलेंगे सीधा बाबा जी के तालाब पर। तो ये रहा आपका स्टॉप, जहाँ से आपको अंदर होना है। बस थोड़ा सा अंदर जाएंगे, हार्डली 100 मीटर भी निकलना है आपको और आपको आ जाएगा बाबा तालाब। ये मार्केट है, छोटी सी चाय पकौड़ी की दुकान, यहाँ पे भी चाय पकौड़ी की दुकान। बाबा जी के तालाब के पास तो पहुंच गए हैं, और तालाब पे आपने देखा भी होगा काफ़ी सारा रश है। हर संडे को इतना ही रश यहाँ पे होता है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इस तालाब में स्नान करते हैं, और किसी भी तरह का उनको अगर कोई रोग लगा हो, स्किन प्रॉब्लम लगी हो जो देवी देवताओं के रिलेटेड हो, वो यहाँ पर स्नान करके दूर हो जाती है। यहाँ पर आएँ, पवित्र तालाब में स्नान करें और अपने रोगों से मुक्ति पाएँ। जितना यहाँ पर आप रश देख रहे हैं, इससे डबल रश होता है चिड़ी पुण्या पर, चिड़ी पूर्णिमा पे यहाँ पे और भी ज़्यादा रश होता है। उस समय यहाँ पे मेला भी लगा होता है। यहाँ पे तो अभी छोटा सा मेला लगा होगा, बट उस टाइम पे बड़ा मेले का आयोजन भी होता है, और इनकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम स्नान करके दर्शन करने जाएंगे, और पॉसिबल हो सका तो आपको भी ले जाएंगे अंदर दर्शन करने, और फिर मिलेंगे आपके आपसे दर्शन करने के बाद, और फिर बाबा जी की स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो स्नान करके अब हम निकल चुके हैं बाहर और जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने सामने मंदिर में, और आपको भी लेके चल रहे हैं मंदिर में। देखते हैं, अंदर अलाउ करते हैं आपको, ले जाना नहीं ले जाना।
दर्शन वर्शन करके अब हम आ गए हैं तालाब की दूसरी साइड और आपको सुनाते हैं बाबा जीतो जी की पूरी कहानी। अगर कोई गलती हो जाए तो पहले ही माफ़ी, क्योंकि जानता हूँ जितनी मैंने सोर्सेज से सुनी है उतनी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये कहानी मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी है ईमानदारी की, मेहनत की, भक्ति भावना की और बेईमानी की। हाँ जी, बेईमानी की, क्योंकि बाबा जीतो जी रहने वाले थे गार जीतो में, जो कि रियासी में पड़ता है, कटरा से 2 किलोमीटर दूर, लगभग 2 से 5 किलोमीटर दूर है ये गांव। वहां पे रहते थे, वहां पे इनका जन्म हुआ, वहीं पे रहते थे, किसान थे, खेतीबाड़ी करते थे और सुबह खेतीबाड़ी करते थे, शाम को माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे, माता की सेवा करते थे। 12 साल लगातार बाबा जी ने वहाँ पे माता के दर्शन किए, माता जी की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर माता जी ने उन्हें दर्शन भी दिए। दर्शन देने के बाद उनसे पूछा, मांगो बेटा क्या मांगते हो, तो बाबा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके घर पर एक कन्या के रूप में जन्म लूँगी। बाबा जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बाबा जी को जो चाची थी, बाबा जी की चाची थी जो, वो उनको काफ़ी तंग करती थी, जिस कारण वो वहाँ पे ज़्यादा देर रह नहीं पाए और वो इस गांव में यानी कि झिड़ी में, झिड़ी के पास इस गांव में जहाँ पे बाबा तालाब आप पीछे मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर वो आ गए। यहाँ पर आकर मिले वो एक ज़मींदार से, वीर सिंह, जिनका नाम था वीर सिंह मेहता। वीर सिंह मेहता जी वो काफ़ी चलाक और बहुत ही ज़्यादा तेज़ किस्म के इंसान थे। उन जनाब ने क्या किया, उन जनाब ने बाबा जी को ऐसी ज़मीन दे दी जो बंजर थी, जहाँ पे फसल नहीं हो सकती थी, लेकिन बाबा जी काफ़ी मेहनती थे और अपनी भक्ति के साथ और मेहनत के साथ उन्होंने उस बंजर ज़मीन पे भी को भी उपजाऊ बना दी और वहाँ से काफ़ी अच्छी फसल निकाल दी। जब बाबा जी को उन्होंने ज़मीन दी थी तो उस टाइम पे उन्होंने उनसे बोला था कि जो भी यहाँ पे फसल होगी उसका 1/4 हिस्सा मैं लूँगा और बाकी की फसल आपकी होगी। फसल अच्छी होती हुई देखकर वीर जी मेहता के मन में आ गया लालच और उन्होंने बाबा जी के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी करने की कोशिश की। बाबा जी को बोला कि नहीं जी, अब तो इसके 2 हिस्से होंगे, 1/4 हिस्सा नहीं होगा, अब इसके 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा आप रखे और एक हिस्सा मुझे दीजिए। लेकिन बाबा जी ने जिस तरह से उनसे बात की थी, अपने वचन पे अटल थे, बाबा जी को क्रोध आ गया। उस क्रोध में ही उन्होंने उसी फसल पे, जो उनका फसल का ढेर लगा हुआ था, उसी फसल पे खड़े होकर के कटार से अपना देह त्याग दिया, अपने कटार से अपने सीने पे वार किया और देह त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने देह त्यागा, उनका जो लहू था उस फसल पे सारा फैल गया और देह त्यागने के बाद इतना प्रलय हुआ, इतनी बारिश हुई कि जोरदार बारिश होने के बाद सारा का सारा गेहूं बह गया। जिसने बाबा जी के साथ गलत किया था उनके वंश का तो नाश हुआ ही हुआ, लेकिन जिन्होंने वो दान खाया था, वो गेहूं खाया था, उनके वंश के लोग भी आज भी बाबा जी को पूजने यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे पंजाब के लोग भी आते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे वो जिस लोग ने जहाँ पे वो गेहूँ खाया वो आज भी आकर के बाबा जी को पूजते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। जिस जगह पे आज हम आए हैं, यहाँ पे सरोवर है ये छोटा सा, जहाँ पे बाबा जी नहाया करते थे और इसी के पास उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी भी की थी। तो यही थी बाबा जी की सारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पसंद आ रहे हैं हमारी वीडियोज़। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।